नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालू बत्रा। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मोबाइल के विषय पर। जैसा कि आजकल लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है, जहाँ पहले फैमिली मेंबर्स इकट्ठे बैठकर बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे, खाना इकट्ठे बैठकर खाते थे, उससे रिश्तों में इतनी मिठास थी। और वहीं आज मोबाइल ने रिश्तों में दूरियाँ इतनी बढ़ा दी हैं कि किसी के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। तो मोबाइल का हमारे जीवन पर क्या बुरा असर पड़ रहा है, आज हम जानेंगे मिसेज नीरज चुग से। मैम, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारी लाइफस्टाइल में आजकल मोबाइल की वजह से चेंजेस हो रहा है, या पति पत्नी के बीच में भी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हर चीज़ का फ़ायदे भी होते हैं और दूसरी तरफ उसके नुकसान भी देखे जा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मोबाइल के होने वाले नुकसान से, मोबाइल के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे जो पति पत्नी के आपसी झगड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि पति पत्नी जो क्या हैं कि आपस में एक दूसरे को टाइम देने के बजाय वो फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। पति बाहर से दिन भर का थका हारा घर आता है तो पत्नी को चाहिए कि उसे चाय या पानी ऑफर करने के बजाय वो अपने फ़ोन में आपसी दोस्तों के साथ चैटिंग में या व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बिज़ी रहती है। उसे चाहिए कि अपने पति को कुछ टाइम दे, उन्हें खाना वगैरह दें या अपने बच्चों को टाइम दें, बजाय उसके वो अपने फ़ोन में बिज़ी रहती हैं। पति को भी चाहिए कि वो बाहर से दिन भर काम करके लौटे हैं तो घर पे आके उनको भी अपने बच्चों को या पत्नी को टाइम देना बनता है, लेकिन वो बजाय इसके पति भी और पत्नी भी दोनों क्या करते हैं कि अपने अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। आजकल जो स्मार्टफोन आए हैं उनकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है। पहले लोग फ़ोन में इतना बिज़ी नहीं रहते थे, कीपैड वाले फ़ोन होते थे, तो आजकल जो स्मार्टफोन हैं उनकी वजह से पति भी और पत्नी भी दोनों अपने अपने फ़ोन में इतने मस्त रहते हैं कि वो एक दूसरे को या अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह से आपस में उनमें झगड़े बढ़ते चले जाते हैं और कई बार ये झगड़े बढ़ते बढ़ते इतना भयानक रूप ले लेते हैं कि कई बार तो सुसाइड तक की नौबत भी आ जाती है। तो मैम, कई बार ये पति पत्नी के झगड़े तो होते हैं, कई बार मैरिड पर्संस भी जैसे अपनी फेक आईडी बनाकर फेसबुक वगैरह पर चैटिंग करते हैं या मैसेज करते हैं, तो उनका भी उनकी लाइफ पर बहुत असर पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो मैरिड पर्सन है वो अपने फेसबुक पर आजकल फेक आईडी बना लेते हैं और अपने आप को सिंगल शो करने लगते हैं और फ्रेंड्स के साथ अपने अलग अलग जैसे फ्रेंड्स बना लिए, उनके साथ चैटिंग शुरू कर देते हैं गलत तरीके से। तो जब उनको उनके रियल लाइफ पार्टनर को पता चलता है कि ये मेरे अलावा किसी और को इन्होंने अपना फ्रेंड बना रखा है या उससे चैटिंग कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ पर गलत इम्प्रेशन पड़ता है और वो जो पर्सन है जो चैटिंग करता है अपनी फेक आईडी बनाकर गलत तरीके से, तो वो अपने रियल लाइफ पार्टनर के शक के घेरे में इतना अधिक आता जाता है कि उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव सामने देखने को आए हैं कि कई बार तो उनका इतना वो भयानक रूप ले लेता है ये चीज़ कि उनका रिश्ता टूटने तक की नौबत आ जाती है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें जो फेसबुक व्हाट्सएप है इनका दुरुपयोग करने की बजाय इनका सदुपयोग करना चाहिए, हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैम, ना सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता, मीन्स कि मोबाइल ने आजकल हर रिश्ते में दूरियां बढ़ा दी हैं, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है या बच्चों के साथ है या पति पत्नी का आपसी रिश्ता है, तो इन रिश्तों में बढ़ती दूरियों के बारे में मोबाइल की वजह से जो हो रहा है, आप उसके बारे में हमें बताइए। पहले क्या है कि लोग आपस में मिलकर रहते थे, ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, तो आपस में एक दूसरे को टाइम देते थे, मिलजुल कर बैठते थे। और आजकल तो क्या है कि ज्वाइंट फैमिलीज भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियर फैमिली होते हुए भी लोग क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। उनको चाहिए कि अपने घर पर टाइम दें और आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनें, शेयर करें और उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय फ़ोन में सारा दिन बिज़ी रहने के। हाँ, फ़ोन का यूज़ करना चाहिए, लेकिन जितना कि ज़रूरी है एक लिमिट के अंदर रहकर। ये नहीं कि सारा दिन हम फ़ोन में घुसे रहें और
अपने घर वालों को टाइम भी ना दें, यह अच्छा नहीं है। तो मैम, जैसा कि आपने भी बताया कि रिश्तों में पहले इतनी मिठास हुआ करती थी कि हम चेहरा देखकर ही जान जाते थे कि सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए, और मोबाइल ने इतनी दूरियां बढ़ा दी हैं कि पति पत्नी भी एक दूसरे को सही से नहीं समझ पाते। हाँ जी, हाँ। तो दूसरा तो और रिश्ता ही नहीं इसमें, यानी कि दुनिया में पति पत्नी के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता होता ही नहीं है। तो पति पत्नी भी मोबाइल की वजह से आपस में इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं, और मैडम मोबाइल का बच्चों की लाइफ पे भी बहुत असर पड़ रहा है। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि दर्शकों को मोबाइल का बच्चों की लाइफ पर जो असर पड़ा है उसके बहुत दुष्परिणाम सामने आए हैं, देखने को मिले हैं कि बच्चे सारा दिन मस्त रहते हैं, गेम्स में कार्टून देखते रहते हैं फ़ोन में। उसका मेन तो एक ये पॉइंट सामने देखने को आया है कि जो आजकल की कंपनियां अनलिमिटेड डाटा दे रही हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्स को भी कोई परवाह नहीं होती कि हाँ बच्चे को फ़ोन दे दिया, बच्चा अपने फ़ोन में मस्त है। और माता पिता को भी ये होता है कि बच्चा अपना चलो फ़ोन के साथ खेल रहा है और हम अपना काम कर लेते हैं, बजाय बच्चे को टाइम देने के वो अपना काम करना जरूरी समझते हैं कि हम फटाफट से अपना काम निपटा लें। बल्कि उनको चाहिए, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को टाइम दें, अपनी नज़र के सामने बिठा के उन्हें फ़ोन चलाने के लिए गाइड करें, उन्हें बताएं कि आपके लिए इसमें क्या देखना सही है क्या देखना सही नहीं है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बच्चे इंटरनेट ऑन करते हैं फ़ोन पर, और उसमें कई चीज़ें सामने ऐसी आती हैं कि बच्चों के लिए जो सही नहीं है, उसको देखते देख के बच्चे को देखने की हैबिट हो जाती है, और उसे देखकर बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं। और बच्चे पहले क्या करते थे कि बाहर खेलने कूदने जाते थे, और या अपने पेरेंट्स के साथ पार्क वगैरह जाते थे, बच्चों से मिलते थे, दोस्त बनाते थे, आपसी उन्हें मेल जोल का पता चलता था कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे मेल मिलाप करना है, किसकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन आजकल जो है वो स्मार्टफोन की वजह से सारा कुछ लुप्त सा होता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने अपने बच्चों को वो गाइड करें कि कैसे कोई मेहमान आता है उसके साथ हमें कैसे बच्चों को बताना चाहिए कि उन्हें कैसे उनका वेलकम करना चाहिए, कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए, उन्हें नमस्ते बोलकर पानी ऑफर करना, या जैसे जो भी संस्कार हमें अपने अपने बच्चों को देने चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चों को हम फ़ोन देकर छोड़ देते हैं, और बच्चे उसमें से कई बार कुछ ऐसा गलत निकाल लेते हैं कि उनको देखने की उन्हें हैबिट हो जाती है, और उसके कई दुष्परिणाम सामने आते हैं कि बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, और उसका बहुत बुरा असर बच्चों के ऊपर होता है। और बच्चे क्या करते हैं कि लगातार सारा दिन कई कई घंटे गेम खेलते रहते हैं, और उसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि बच्चों के बहुत कम आयु में चश्मे लगने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत दुष्परिणाम देखने को सामने आया है। जी हाँ, जैसा कि मैम ने भी बताया, तो जैसे कि मोबाइल से बच्चों की माइंड क्रिएटिविटी जहाँ बढ़ती है, वहीं वो उनको नुकसानदायक चीज़ें भी बहुत होती हैं। उनका माइंड जहाँ शार्प होता है वहाँ वो ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करके चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। बच्चों का कहना ना माना, ज़िद्दी ना होना, इसके पीछे मोबाइल एक मेन कारण है। और जहाँ मैम ने भी बताया कि बच्चों को हम संस्कार दें, बच्चों को हम चाहे जितने मर्जी संस्कार दें, उनके अगर बच्चा सारा दिन मोबाइल में लगा रहेगा तो उसको ये होश ही नहीं होता कि हमारे घर में कोई गेस्ट आया है, हम उसको नमस्ते करें या विश करें, तो वो कोई मर्जी आए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने मोबाइल में मस्त रहते हैं। तो मैम, एंड में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को लिमिट में रहकर उसका यूज़ किया जाए तो बेटर होता है। किसी भी चीज़ की अति है वो बुरी होती है। अगर हम इसको लिमिट में रहकर यूज़ करते हैं तो हम इसके फायदे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम लिमिट में रहकर यूज़ नहीं करते तो इसके नुकसान ही नुकसान है, बच्चों के लिए भी, घर वालों के लिए भी, सभी के लिए। तो हमें इसे लिमिट में रहकर ही यूज़ करना चाहिए। जो स्मार्टफोन आजकल आए हैं उसका उनका लिमिट में यूज़ करना चाहिए। थैंक यू मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दर्शकों, जैसे कि मैम ने हमें बताया कि अधिकता हर चीज़ की ख़राब करती है, इवन कि अगर हम खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं ना तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान करता है। इसलिए हर चीज़ अगर लिमिट में ही यूज़ की जाए तो वो बेस्ट रहती है। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। नमस्कार।